ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण तत्वार सूत्र की चर्चा हमने चालू की है और तत्वार सूत्र की चर्चा में आज जो हमारी इसमें चर्चा होगी वह क्या कहते हैं सूत्र जिसमें अलग अलग द्रव्यों के कार्य हैं उस पर हम अपनी चर्चा चालू करेंगे। ठीक है, बराबर ना? सुनाई सबको बराबर दे रहे हैं ना? है? अरे बोले कोई तो बोलो जरा, बराबर है ना? ओके ठीक है। तो तत्वार सूत्र की जो चर्चा है उसमें अपनी बात यहाँ तक आई है कि काल आदि द्रव्यों के कार्य क्या क्या हैं। और एक जो प्रश्न कल मैंने आपको छोड़ा था, बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत मथा है, इसका मुझे आनंद है। अगर आप लोगों का इतना ज्यादा समय का सदुपयोग इस प्रश्नों के समाधान में होता है तो कोई प्रश्न छोड़ना घाटे का सौदा नहीं बल्कि फायदे का सौदा। कल मुझे 4-5 लोगों के रेगुलर फॉलो अप आए, हितेन भाई का आया, दिनेश भाई का आया, एक दो यूट्यूब पे जो मुझे फॉलो करते रहते हैं उनके आए कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इस कारण से ये बात आनी चाहिए, बराबर ना? तो प्रश्न तो आपको ख्याल में होगा कौन से प्रश्न की बात है, कौन सा प्रश्न था वो, बोलो बोलो। प्रश्न था काल द्रव्य के अलोक काल। हाँ, मूल बात इतनी है कि अलोकाकाश जो है, अलोकाकाश द्रव्य है, बराबर ना? और जो जो भी द्रव्य होता है वह परिणमन सहित भी होता है, क्लियर? क्योंकि परिणमन रहित तो कोई द्रव्य हो ही नहीं सकता, द्रव्य गुण पर्याय सहित ही द्रव्य होता है। तो जो अगर द्रव्य गुण पर्याय रहित हो जाए तो द्रव्य कैसे रहे, बराबर? तो जो स्वाभाविक एक प्रश्न आता है कि अगर वह द्रव्य द्रव्य है, अगर वह द्रव्य द्रव्य है, कौन अलोकाकाश में जो आकाश है अगर वह द्रव्य है तो उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, एक बात तो स्वाभाविक है। अगर परिवर्तन रहित हम द्रव्य मानेंगे तो द्रव्य नहीं मानना पड़ेगा, इसलिए हमें परिवर्तन तो स्वीकारना पड़ेगा। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि अगर वह परिवर्तन होता है उसके अंदर तो उसके परिवर्तन में कारण कौन बनता है, उसके परिवर्तन में कारण कौन बनता है, क्योंकि काल द्रव्य तो लोक में है तो अलोक में कौन कारण बनता है। तो यही प्रश्न पंचस्थिकाय ग्रंथ में भी उठाया गया और अन्यत्र बहुत सारे जगह पर भी ये प्रश्न उठाया गया है। तो उसके लिए आचार्य बड़ा सुंदर समाधान देते हैं। आचार्य कहते हैं कि जैसे आपको कोई है ना, क्या कहते हैं, एक रस्सी, आपने कभी बचपन में गेम खेला होगा ना कि कोई एक रस्सी हो ना यहाँ पर पड़ी हो यहाँ पर, और उस रस्सी को आप ऐसे करके जोर से ऐसे ऐसे करके मूव करो, समझ रहे ना? ऐसे यहाँ पे रस्सी पड़ी हो और आप यहाँ से मूव करो, बराबर? तो क्या होगा कि वो कर मूव यहाँ पर हो लेकिन मूवमेंट कहाँ तक दिखाई देता है, इस छेड़े तक दिखाई देता है। ये सिचुएशन ख्याल में आई? फिर से क्या कह रहा हूं, क्या समझे कि आप जिसको भी क्या कहते हैं काल द्रव्य को समझते हैं तो इस तरफ से आप मूवमेंट करोगे तो वो मूवमेंट आपका वहां तक जाएगा। तो आपने तो हिलाया यहां पर हाथ, लेकिन मूवमेंट कहां पर रहा आपके, दूसरे छोर तक भी वो मूवमेंट रहता है। उसी प्रकार आचार्य ने बोला कि अलोकाकाश में जो आकाश द्रव्य है वो द्रव्य है, इसीलिए नियम से परिणमन सहित है, एक बात, क्योंकि अगर परिणमन रहित होगा तो द्रव्य नहीं होगा।
दूसरे नंबर की बात से प्रश्न होता है, अगर वह परिणमन सहित है तो उसके परिणमन में निमित्त कौन है? तो आचार्य इसको समझाते हैं कि इस लोक का काल द्रव्य ही, इस लोक का काल द्रव्य ही अलोक के आकाश नाम के द्रव्य के परिणमन में निमित्त होता है। जैसे एक रस्सी को आप यहां से मूव करोगे तो उसका मूवमेंट आगे तक जाएगा, वो जहां से आप मूवमेंट कर रहे हो वहीं तक नहीं रहेगा। बात दर्शन हो ना, उसमें कर्व्स बनते हुए जाते हैं, वो गेम करते हैं कभी कभी अपन, बराबर ना। तो वैसे ही एक जगह अगर आप क्या कहते हैं परिणमन करते हैं तो अन्यत्र सर्वत्र वह परिणमन पहुंच जाता है। यही बात उस अनंत अलोक के परिणमन में निमित्त बनती है। पॉइंट समझ में आए दिनेश भाई? विचार किया है हितेन भाई? आपके लास्ट वाले दो ऑडियो में सुन नहीं पाया। हाँ, प्रश्न उसमें क्या लिखा था मैंने सुना नहीं। आपके जो बाद वाले दो ऑडियो पहुंचाए थे ना सुबह के, क्या भाभी के ऑडियो थे कि हितेन भाई के थे? हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या प्रश्न था मैं सुन नहीं पाया था। બરાબર તમારી વાત બરાબર, કોનું થાય એ વાત બરાબર, પણ દ્રવ્ય બીજાનો પરિણમન કરે એ માટે પરિણમન સ્વભાવ છે એવો નથી। द्रव्य नो स्वभाव पोताना माटे परिणमन छे, जेम के नित्यता वगैरह द्रव्य टकतो नथी, एम अनित्यता वगैरह पण द्रव्य नो स्वभाव स्थित थतो नथी। द्रव्य नो स्वभाव नित्यानित्यात्मक छे, एम समझवा। ख्याल में आवे छे कि नहीं? आ, आ, बराबर ख्याल में आवे ना। आ रीते बन्ने वस्तु त्यां विचारवानी रहे। तो आ लोक नो काल द्रव्य अलोक ना आकाश में परिणमन करावामां निमित्त बने छे। हवे पछी प्रश्न ये तमारो बहु वेलिड प्रश्न थई शके कि अलोक नो काल आकाश नु परिणमन कई रीते थाय? तो एनु परिणमन आकाश रूपे थाय, जेम के सिद्धो नो परिणमन सिद्ध रूपे थाय, एवी ज रीते आकाश नो परिणमन आकाश रूपे थाय। अने बीजी नंबर नी वात, आकाश बीजा ने अवगाहन आपे छे माटे परिणमन करे छे, आवुं नहीं विचारवानुं। ख्याल में आवे? लोको ने एम घणा जे मारी पासे ऑप्शन आव्या ना त्यारे घणा लोको एम पण कहता था कि भाई त्यां कोई छे ज नहीं तो कोने अवगाहन आपे, त्यां कोई छे ज नहीं तो कोने अवगाहन आपे। पण भाई समझो, द्रव्य नो स्वभाव छे ना स्वभाव, ए होवा माटे कोई अन्य परनी होवानी जरूर ज नथी, एम समझवा। ख्याल में आवे? जेम के प्रकाश हो ना, प्रकाश तमने आम लाइट करी बराबर, तमे घर में हो तो लाइट में अजवाड़ो थाय, पण घर में ना हो तो लाइट एवं थोड़ी विचार करे कि ना ना कोई छे नहीं तो आपणे शुं काम चालवानुं, आपणे बंद थई जवानुं। लाइट आवुं विचारे शुं काम चालवानुं, खाली खोटे एना बिजली नो बिल वधे। प्रकाश नो स्वभाव प्रकाशित करवानो छे बराबर, ए तो प्रकाशित करे छे, कोई ए प्रकाश ने जोए ना जोए, पोतानो काम करे, सुई जाए, जागे, एने एना स्वाभाविक परिणमन में एनी कोई पण रिक्वायरमेंट नथी। एम आकाश कोई बीजा ने अवगाहन आपे छे माटे विचारो के ना ना हवे हूँ अवगाहन नहीं आपीश तो कोने आपवू पड़े, चलो आज कोई नहीं तो आराम करी लईए। आवी जे मेंटालिटी छे कि कोई होय तो अवगाहन आपीए अने कोई नहीं तो आराम करी लईए, आ अवगाहन आकाश नो स्वभाव ने रिफ्लेक्ट करती है। सौथी पहला नंबर नो गुण, आकाश अवगाहन आपे छे ए एनो कार्य छे, कोई होए तो अवगाहन आपे, नहीं तो पोते तो छे ज ने, पोताने रहेवा माटे तो अवगाहन जोईए ने। बधा लोको घर भाड़े आपवा माटे थोड़ी ज बधा बसावे छे, रहेवा माटे पण बसावे छे ने घर। हे खबर पड़ी कि नहीं? तो एम आकाश ने भले ही अलोक आकाश छे, बीजा कोई नथी आकाश द्रव्य, तो कोई एम विचारे कि अवगाहन आपवानी शी जरूर छे बराबर, पण भाई पोते तो अवगाहन जोईए कि नहीं जोतू? अवगाहन नामनु कार्य पोते तो तेने एने लागशे ने कि नहीं लागे? तो ये जो अवगाहन नाम का कार्य है
उसके लिए भी निमित्त रूप से काल द्रव्य की आवश्यकता होती है। तो वो ही यहाँ का जो काल द्रव्य है वो उस आकाश के परिणमन में भी निमित्त बनता है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये चीज थोड़ी हमें समझनी चाहिए। फिर भी मुझे अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में थोड़ा विचार किया, और ऐसे विचार करने से तत्व प्रबल होता है, इसीलिए सभी लोग जितना विचार करते उतना अच्छा है। आंसर सही हो गलत हो ये बात की बात है, लेकिन तत्व विचार में जितना समय गया ना वो सदुपयोग है। हाँ बोलो हितेन भाई, प्रश्न सूचे। द्रव्य પોતાને રૂપે પરિણમે છે અને એમાં કાળ દ્રવ્ય નિમિત્ત બને છે, પણ અવલોકાકાશમાં કાળ દ્રવ્ય છે તે લોકાકાશનું કાળ દ્રવ્ય તેમાં નિમિત્ત બને છે, અને આકાશ એના આકાશ દ્રવ્ય આકાશમાં પરિણમે પોતાનું સ્વયં પરિણમે। હા એટલે આકાશ અવગાહન આપે છે, ત્યાં બીજા કોઈ દ્રવ્ય નહીં તો પોતાને અવગાહન આપે છે, અને એ અવગાહન રૂપી કાર્યમાં આ લોકનું કાળ દ્રવ્ય ત્યાં નિમિત્ત બને છે। ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? તો આ અવગાહન રૂપી કાર્ય માટે આલોક નો કાલ દ્રવ્ય ત્યાં આકા ત્યાં નિમિત્ત બને છે, આવી વ્યવસ્થા। આ જે મારો સમાધાન નથી, મૂળ આગમના પ્રશ્ન છે, અને મૂળ આગમનું સમાધાન તમને મેં આપ્યું, બરાબર ને? ધન બીજું શું વિચાર્યો તો ખુશી બેન, કે વિચાર્યો જ નહોતો? સર મેં લીવ કરી દીધું તો કાલે નોતું અટેન્ડ થયું તો મને નોતી ખબર। અચ્છા અચ્છા અચ્છા, ઓકે ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, સારું। આજે શું ઘણા લોકો કાલે બહાર જવાના છે માટે આજે એબસેન્ટ છે એવું છે લાગે છે, એમ કાલે વહેલા જવાના છે ને એ લોકો। સારું ચલો, તો કાલની ક્લાસ એવું હોય તો રજા રાખજે, કાલની ક્લાસ ની કાલની ક્લાસ નહીં રહેશે, બરાબર ને? મોટા ભાગે લોકો ત્યાં જવાના છે, અમુક અમારા મંદિરના પ્રોગ્રામ છે, તો કાલની ક્લાસ નહીં રહેશે, બરાબર ને? ધન ચલો, હવે આપણે આગળ વધીશું। શું કહેવાય આ, ચલો હા, એ બધાનો કાર્ય થઈ ગયો છે। હવે અબ પુદગલ કી બાત આતી હૈ કે પુદગલ ક્યા કહેલાતા હૈ। દેખો સ્પર્શ રસ ગંધ सूत्र पढ़ते हैं, 23 नंबर का सूत्र, 23 नंबर का। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, बोलो बोलो। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, बराबर ना? स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, बहुत बढ़िया। पुद्गला मतलब पुद्गल द्रव्य कैसे होते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होते हैं। पुद्गल कैसे होते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल होते हैं, बराबर? ख्याल में आया? अब जरा इसको अपन समझते हैं कि स्पर्श रस गंध वर्ण वाले का क्या मतलब है। बात तो बड़ी सरल सी है, ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण मतलब क्या होता है कि स्पर्श जो आप अगर देखेंगे तो किसे कहते हैं स्पर्श? छुअन, जिसको छुआ जा सके, जिसको छुआ जा सके, त्वचा के द्वारा जिसे ग्रहण किया जा सके वो स्पर्श कहलाता है, बराबर? जैसे 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं, कौन कौन से? तो कोमल, कठोर, हल्का भारी, ठंडा गर्म, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ऐसे करके इसको समझना। कोमल कठोर भारी हल्का ठंडा गरम रूखा चिकना, इसको हम ऐसे कहते हैं, हल्का भारी ठंडा गरम रूखा चिकना कड़ा नरम, यानी 8 प्रकार से पुद्गलों का ज्ञान किया जा सकता है स्पर्श के माध्यम से, या स्पर्शन इंद्रिय 8 प्रकार के उसको जानती है, कौन कौन से? रूखा चिकना, हल्का भारी, ठंडा गरम और कड़ा नरम, इस प्रकार के, बराबर ना? आगे अपन देखते हैं, इसको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जो छूने में कोमल लगे वो कोमल नाम के स्पर्श सहित है, जो कठोर लगे वो कठोर नाम के स्पर्श सहित है, बीच का लगे तो क्या समझना? वो सब समझना। देखो ये भी बहुत स्थूलता के साथ में किए हुए विभाजन है, समझ में आया? स्थूलता के विभाजन है। वास्तव में तो
असंख्यात प्रकार के स्पर्श होते हैं। कितने प्रकार के स्पर्श होते हैं? असंख्यात प्रकार के स्पर्श होते हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं। जिस हर स्पर्श आप देखेंगे ना, चादर ही है ना आपके घर में, तो कॉटन के चादर का स्पर्श अलग होता है, टेरिकॉट के चादर का स्पर्श अलग होता है, बराबर वूलन का अलग होता है, अलग अलग प्रकार के गद्दे का स्पर्श अलग होता है, सोफे का स्पर्श अलग होता है। यानी आप देखेंगे तो इतने अलग इतने प्रकार के स्पर्श होते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं, जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने प्रकार के स्पर्श अपने यहाँ पर बताए जाते हैं। तो भी मेजरली जो हम बात कर रहे हैं वो छह प्रकार क्या कहते हैं, आठ प्रकार के छुअन की बात कर रहे हैं, समझे। और ये आठ प्रकार की छुअन ये है स्पर्शन, जिसे कहते हैं कोमल, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, बराबर। आठ ही नहीं समझना, आठ तो स्थूलता के साथ में है, वैसे तो अनंत है, सब विषयों में समझना। फिर क्या कहते हैं, पुद्गल में पांच प्रकार का रस होता है, कौन कौन सा? कड़वा, कषायला इटले तोरु, मीठा, खट्टा और तीखा। अब आजकल अगर आप देखेंगे इतने प्रकार के फूड आ गए हैं कि उसे किस में रखें ये समझ में नहीं आता। चाइनीज है ना चाइनीज, माता बहनों को तो पता होगा, इन पांच में से कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं बताओ? चाइनीज खाते हो जो, तो किस कैटेगरी में रखेंगे भैया इस मंचूरियन के टेस्ट को, बराबर ये किस में रखोगे है? मतलब आचार्यों ने भी ये बता दिया कि कोई कैटेगरी में नहीं आ सकता। बराबर, तो क्या ये इसको रसना इंद्रिय का विषय नहीं माना जाए? हजार प्रकार का टेस्ट है, वो जो पहले के समय सॉफ्ट ड्रिंक चलती थी उसे किस में रखोगे आप? अलग ही टाइप का टेस्ट होता है वो, एकदम झंझनाटी सी हो जाती है। क्या बोले, इनो का टेस्ट, सोडा का टेस्ट किस में रखोगे? यानी पांच बोल रहे हैं तो सीधे सीधे पांच नहीं समझना, पांच के फ्यूजन से हजारों लाखों असंख्यात प्रकार के विषय बन सकते हैं, बराबर। ये आदमी ने जितना ज्यादा रिसर्च खाने पीने की चीजों में किया हो, और उसमें भी अहमदाबादी आदमी ने जितना किया हो, उसका तो तोड़ कहीं नहीं मिल सकता, बराबर। एक दिन मेरे साले का फोन मेरे पास में आया, बोले जिया जी आपने बताया नहीं कि अहमदाबाद में आइसक्रीम के भजिए मिलते हैं? मैंने कहा जी तो मुझे ही पता नहीं। तो आइसक्रीम के भजिए मिलते हैं यार, मेरे मेरे ही पता नहीं है। बोले कि देखना, मैंने देखा टीवी यूट्यूब पे देखा, तो फिर वास्तव में मैंने सर्च किया, ये मत पूछना कहाँ मिलते हैं। मैंने पूछा, लेकिन अहमदाबादियों ने आइसक्रीम का भी भजिया बना दिया। अब कितना दिमाग और चलाओगे आप, विचार करके देखो, पॉइंट समझ आ रहा है ना? तो ये सब चीजें, हाँ 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 बता देंगे भाई, बाद में बता देंगे। है? आपको महंगे पड़ेंगे, दुबई से आना पड़ेगा। है? क्या है कि नहीं है? तो ये चीजें को जरा आप समझिएगा कि रसना जिस जिसको ग्रहण करती है, ये पांच में ही सारी रामायण खत्म हो जाती है ऐसा नहीं है। रसना जिस जिसको भी ग्रहण करती है वो सब रसना इंद्रिय रस का एक परिणमन है। ये पांच तो बता रहे हैं, पांच ही होते हैं ऐसा नहीं है, हजारों लाखों प्रकार के स्वाद होते हैं। कई स्वाद तो ऐसे होते जिनको किसी में भी रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रसना इंद्रिय ग्रहण करती है मतलब वो भी रसवान है, बराबर। तो ये पांच प्रकार के टेस्ट होते हैं। फिर यहाँ पे दो प्रकार की गंध होती हैं, कौन कौन सी? सुगंध और दुर्गंध। अब देखना इसमें एक बड़ी गजब बात है जो विचारणीय है, सब लोग सोचना इसके बारे में। पुनः चलो सोचने के लिए आपको समय देता हूं, कल का मुझे अच्छा है, आप विचार करिए। इन इन बाकी के गुणों में आप देखो, स्पर्श में जो गुण बताए, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, रस में जो गुण बताए, कड़वा, कषायला, मीठा, खट्टा, चरपरा, आगे वर्ण में बताएंगे नीला, पीला, काला, लाल वगैरह वगैरह, सफेद वगैरह, ये बीच में घ्राण इंद्रिय के विषयों को सु और दु के नाम से क्यों बोला? पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप थोड़ा सोचिएगा,
और ज्यादा मतलब विचार करिएगा कि ऐसे तो हम सबको सु और दु के रूप में डिवाइड कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, सुस्पर्श दुस्पर्श, क्योंकि कुछ स्पर्श हमें अच्छे लगते हैं कुछ स्पर्श हमें अच्छे नहीं लगते, सुंदर और कुरूप बराबर दुरूप। तो यहां पर स्पर्श में सु और दु का विभाजन नहीं किया, रस में नहीं किया, वर्ण में नहीं किया, गंध में ही सु और दु का विभाजन क्यों किया, जबकि गंध में भी वैरायटियां तो बहुत होती है ना। तो जैसे जितने प्रकार के रस आपको गंध से पता चल जाता है ना कि ये किसकी रगन है, किसकी सब्जी बन रही है, कौन सी वानगी बन रही है, तो बाकी सब में तो ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ गुणों का विभाजन किया और गंध में सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन किया। ये एक ख्याल में आया कि नहीं आया, क्या कह रहा हूं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है, पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है कि बाकी के जो चार इंद्रियां थी उसमें ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि जिसमें कोमल स्पर्श है वो कोमल वाला, जिसमें कठोर है वो कठोर वाला, तो ऑब्जेक्टिव लिया मतलब वस्तुनिष्ठ गुण लिया, उस वस्तु में वो गुण है। रस की बात आई तो खट्टा मीठा कड़वा वो वस्तु है, वर्ण की बात आई तो काली पीली नीली वो वस्तु है, लेकिन गंध में सु और दु क्यों आ गए? ये सुगंध और दुर्गंध तो सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव है इन द सेंस कि मुझे जो अच्छी लगती है गंध। अब मेरे ऑफिस में एक है कि एक व्यक्ति रोज परफ्यूम लगा के आता है और दूसरा उसको सूंघते करता है वो एक परफ्यूम एक को अच्छा लग रहा है, दूसरे को सर चढ़ जाता है, रोज झगड़ा होता है तो एक के लिए वो जो क्या कहते हैं रोज की सुगंध है वो सुगंध लग रही है और दूसरे के लिए वो दुर्गंध जैसी लग रही है, तो उसका गुण क्या माना जाए? उस परफ्यूम को सुगंध की कैटेगरी में रखा जाए कि दुर्गंध की कैटेगरी में रखा जाए? विष्ठा है, अपने को वो सूंघने दिख जाए तो बुरा लगता है, सूंघने में जाए तो नाक बंद कर लेते हैं, और गुण को अच्छी लगती हो उसे किसमें रखेंगे? पॉइंट समझ में ना प्रश्न? तो बाकी के सारे, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं नितिन भाई, है प्रश्न समझे कि नहीं समझे? सुगंध सुखदायी अनुभव थाय छे एटले सुगंध किधुं, दुखदायी अनुभव थाय छे एटले दुर्गंध किधुं, एवुं छे? एवो तो बधामां थाय, एवो बधामां थाय, पछी तो रसमाय सुखदायी दुखदायी नो भेद पड़े, गंधमाय केम करो, स्पर्शमां सुख दुख नो भेद ना पड़े, वर्ण में सुखदायी दुखदायी नो भेद ना पड़े, बधी जगह पड़े। तो अने पछी बीजा नंबर नी वात कि ए एवो नथी कि डिफरेंट नथी, हजार प्रकार नी गंधो छे अने हजार प्रकार नी गंधो ने लोक डिफरेंट करी शके छे, तो पछी एना कया गुण राखवा जोईए तो विचारजो, शू उत्तर तमे लोको विचारो छो आ पछी मने जणावजो। बराबर दिनेश भाई, हितेन भाई, बराबर खुशीबेन, बधा लोको आमां विचारजो कि केम आचार्योए जो टूंकमां ए प्रश्न समराइज करू तो बाकी बधी पर्यायो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एटले वस्तुनिष्ठ कीधी छे, पण गंधनी जे अवस्थाओ छे ए सब्जेक्टिव केम कीधी? कि कोईक ने केवुं लागे अने कोईक ने केवुं लागे, आवुं केम कर्युं छे? बराबर ने? तो आ वस्तुनो विचार करजो। આપણે હવે થોડુંક આગળ વધીશું અને અહીં આવીશું, ઠીક છે ને? હવે પાંચ ભેદ શું કહેવાય એના, વર્ણ કે પાંચ ભેદ, વર્ણ કે પાંચ ભેદ કોણ કોણ છે? સફેદ, લાલ, નીલા, પીલા ઓર કાલા, સફેદ, લાલ, નીલા, પીલા ઓર કાલા, યે પાંચ પ્રકાર કા વર્ણ હોતા હૈ, યાની રંગ હોતે હૈ, ઠીક હૈ ના? દેખો અબ ઇસમે ભી વોહી બાત હૈ कि पांच तो मुख्यता से कहे जा रहे हैं, अगर और भेदों के हिसाब से देखा जाए तो एक एक के कितने भेद होते हैं? आप कभी ये आज से ये नहीं है क्या कहते हैं विपुल भाई और संध्या भाभी वगैरह, अगर आप उनकी दुकान में जाएंगे, मैचिंग की दुकान है ना, तो उनकी दुकान में जाके आपको दूसरी चीज की खातरी हो चाहे नहीं हो, ये खुशी बहन हंस रही है, उन्होंने बहुत देखी उनकी दुकान मैचिंग की है ना, तो एक में कितने प्रकार के रंग होते हैं?
काला कितने प्रकार का होता है, सफेद कितने प्रकार का होता है, लाल कितने प्रकार का होता है, एक एक रंग में 50-50 सेट तो कपड़े के रूप में अवेलेबल। हाँ, ये दिनेश भाई भी एक अच्छा सजेशन दे रहे हैं, एशियन पेंट की दुकान पे आप जाओ। बराबर, यानी सेट कितने होते हैं ये विचार से परे है। तो आचार्यों ने जो लिखा है वो ऐसा नहीं है कि पूर्ण हो गया, लेकिन उनको ये बताना एक केवल हिंट देना है कि भैया वर्ण कितने प्रकार का होता है, बोले 5 प्रकार का होता है। बराबर, और 5 प्रकार का होता है मतलब 5 ही होते हैं ऐसा नहीं है, 5 को मिला के हजारों लाखों प्रकार के सेड बन जाते हैं। तो शॉर्ट में वर्ण क्या है, बोले चक्षु इंद्री जिस जिसको भी ग्रहण करती है, चक्षु इंद्री जिस जिसको भी ग्रहण करती है वो सब वर्ण है, और उसके मुख्यतया 5 भेद होते हैं, और गौण रूप से देखने जाओगे तो ना जाने कितने भेद उसके होते हैं, एक एक के इतने भेद होते हैं, इतने भेद होते हैं। वो मिल्की व्हाइट होता है, ना क्रीमी व्हाइट होता है, ना पाउडर व्हाइट होता है, ना जाने कितने प्रकार का व्हाइटी व्हाइट होता है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ख्याल में? तो ये चीजें यहाँ पर अपने को जानने को मिलती। आगे की स्लाइड देखते हैं, उसमें क्या है। अब एक बहुत सुंदर सी बात कही है कि भाई सब चीजें तो छोड़ो, पहले ही बताओ कि स्पर्श को क्यों ग्रहण किया। सबसे पहले तो बताते हैं, स्पर्श ग्राही इंद्रियों में स्पर्श की अभिव्यक्ति शीघ्र होती है। क्या बोला? स्पर्श ग्राही इंद्रियों में जो जो इंद्रियां हैं, जो जो भी स्पर्शन करती, उनमें सबसे जल्दी अभिव्यक्ति किसकी होती है? स्पर्श की होती है। छूते ही तुरंत पता चल जाता है, हैं? तो उसके लिए स्पर्श को पहले लिया। दूसरे नंबर, सर्वप्रथम स्पर्श का ही ग्रहण होता है तथा सभी संसारी जीवों के यह ग्रहण योग्य होता है। सभी संसारी जीव अगर सबसे पहले कोई भी इंद्रियों को पाते हैं तो कौन सी इंद्रिय होती है? अगर मात्र एक इंद्रिय किसी की है तो नियम से वो कौन सी इंद्रिय होगी? वो नियम से स्पर्शन इंद्रिय ही होगी, अन्य कोई दूसरी इंद्रिय होती नहीं है। बराबर समझ में आए कि नहीं है? तो इसीलिए इन कारणों से स्पर्श को पहले ग्रहण किया। दूसरे नंबर की बात, स्पर्श के बाद रस का ग्रहण क्यों किया? तो उसका सीधा सीधा का कारण है, आपने पहले मैंगो जूस खाया तो सबसे पहले तो क्या किया कि जिह्वा ने मैंगो जूस का स्पर्श किया, ठंडा लगा, बराबर सॉफ्ट लगा, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर वो मीठा है कि खट्टा है ये बताती। बराबर ना, समझे कि नहीं समझे? तो कभी ये मत कहना कि पंडित जी वो एक आध महीने बाद एग्जाम्पल देना शुरू करते ना, कम से कम अभी तो मुंह में पानी आ गया, अभी इसे मार्च तक तो रुक जाते एग्जाम्पल देने। मैंगो जूस हमको बहुत कंट्रोल करना मुश्किल पड़ता है, है? तो रसना स्पर्श के बाद में किसका ग्रहण करती है? रसना। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर फिर क्या है, घ्राण। घ्राण को क्यों तीसरे नंबर पे लिया? तो बताते हैं, देखो इसका घ्राण को तीसरे नंबर पे क्यों लिया, अचाक्षुष होने से गंध को रस के बाद ग्रहण कर वर्ण को अंत में ग्रहण किया। भी को सुंदर कारण दिया, अचाक्षुष होने से। अचाक्षुष होने से मतलब चक्षु के द्वारा ग्रहण नहीं होती, जो उसे अचाक्षुष बोलते हैं, और अचाक्षुष होने के कारण गंध को रस के बाद ग्रहण कर वर्ण के अंत में किया, ग्रहण किया है। गंध को रस के स्पर्श रस गंध वर्ण बनता रस के बाद ग्रहण कर, और सबसे लास्ट में किसको ग्रहण किया? वर्ण को। तो वर्ण को सबसे लास्ट में ग्रहण करना था, अपन सरल भाषा में कहें, इसके लिए गंध को उसके पहले ले लिया है। बराबर समझे कि नहीं समझे? और अंत में वर्ण को ग्रहण किया। वर्ण को अंत में क्यों ग्रहण किया ये प्रश्न हो सकता है, तो बोले सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं किसका व्याप किसका सबसे ज्यादा रहता है, स्पर्श की तो लिमिटेशन होती है कि जहां पर किसको छूओगे, अब यहां पर है ना तो यहीं तक छू पाओगे ना, लेकिन वर्ण की तो लिमिट बहुत होती है, वो तो कहीं पे भी जाता है, कितने भी पदार्थों को ग्रहण करता है।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस हिसाब से वर्ण को सबसे लास्ट में ग्रहण किया गया है, बराबर। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये पांचवी अध्याय की यूनिक चीज आने वाली है और वैज्ञानिक चीज जो अपनी है वो ये। देखो मैं ये सूत्र है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो पांचवा अध्याय है ना, पांचवा अध्याय तत्वार्थ सूत्र का, ये अपने को तो पहले चौथे अध्याय ज्यादा प्रिय है, लेकिन वैज्ञानिकों को पांचवा अध्याय सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल की खोज में है और इसमें इसका वर्णन विशेष किया गया है, पुद्गल का ही वर्णन इस पांचवें अध्याय में विशेष किया गया है। इसीलिए सबसे ज्यादा रिसर्च अगर कहीं पर होते हैं जैन धर्म के किसी सिद्धांतों पर, तो पांचवें अध्याय के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च होते हैं, क्योंकि पांचवें अध्याय का जो सब्जेक्ट है वो वैज्ञानिकों के लिए अनुकूल है। पॉइंट समझ में आया? पांचवें अध्याय का सब्जेक्ट वैज्ञानिकों के लिए अनुकूल है, इसीलिए इस पर सबसे ज्यादा रिसर्च होते हैं, अभी भी हो रहे हैं, और जितने ज्यादा रिसर्च हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल रहा है कि जैन धर्म की उतनी वैज्ञानिकता सिद्ध हो रही है। समझ में आया? क्या बोला? जैन धर्म की उतनी वैज्ञानिकता इसके कारण सिद्ध हो रही है। आज इस पांचवें अध्याय की बदौलत बहुत सारे लोगों का जैन धर्म के प्रति पॉजिटिव वलन आया है और उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये केवल धर्म नहीं है बल्कि इसके अंदर एक गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। किसके कारण? मुख्य रूप से पांचवें अध्याय के कारण। देखिए अपन विचार तो थोड़ा और आगे करेंगे, लेकिन इसके पहले सूत्र को समझते हैं क्या है जैन धर्म। तो शब्द बंध सक्ष्म, बोलो, ये कठिन सूत्र है, सबको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सक्ष्म, हाँ, शब्द बंध सक्ष्म, शब्द बंध सक्ष्म, स्थौल्य स्थौल्य, संस्थान संस्थान संस्थान, भेद तमच्छाया भेद तमच्छाया, तमच्छाया तपोद्योत 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 वंतस्य वंतस्य तपोद्योत वंतस्य, शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योत वंतस्य, शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य, बोलो, संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योत, हाँ, तपोद्योत वंतस्य, तपोद्योत तवंतस्य नहीं वंतस्य, बराबर। देखो जरा समझ लेते हैं अपन इसको। आप जो चीजें हैं ये पुद्गल हैं। क्या हैं ये पुद्गल? हैं कौन कौन सी चीजें पुद्गल हैं? शब्द पुद्गल हैं, बंधन पुद्गल है, सूक्ष्मत्व स्थूलत्व पुद्गल है, आकार पुद्गल है, भेद पुद्गल है, अंधकार पुद्गल है, छाया और आताप पुद्गल है, और उद्योत भी पुद्गल है। यानी इतने अलग अलग प्रकार के पुद्गल द्रव्य होते हैं। अब जरा थोड़ा विचार कीजिएगा, मैं एक 50-100 साल पहले की बात कहता हूं कि जब लोगों के पास में ये क्या कहते हैं सोनार सिस्टम डेवलप नहीं था, बराबर, सोनोग्राफी नहीं होती थी, शब्दों के ऊपर ज्यादा रिसर्च लोगों के नहीं थे, हम बोलते थे सामने वाले सुनते थे, बीच में कुछ भी नहीं था, तब क्या लोग ये मानने को तैयार थे कि ये पुद्गल है? आप सोचो जरा, कल्पना करके देखो। आज इतना साधन डेवलप हो गए हैं तो भी हमारे दिमाग में पुद्गल के नाम पर इमेज तो पत्थर की आती है। शब्द वर्गणाओं को हम पुद्गल मान पाते क्या? ऐसा लगता है वो तो जीव जैसी दिख नहीं रही तो कैसी है, जीव जैसी, लेकिन पुद्गल। लाइट उद्योत आताप ये भी पुद्गल, किसी धर्म ने इनको इनको पुद्गल नहीं कहा, कुछ कहा ही नहीं एक्चुअल। लेकिन आज जैन धर्म ने पहले से ही बोला है कि इस सूर्य का प्रकाश आताप होता है और वो पौद्गलिक है, पौद्गलिक है इसलिए हम उसे क्या कर सकते हैं, सोलार के रूप में यूज कर सकते हैं, हम उसको एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो
आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया ना कि उसमें फोटॉन होते हैं ना फलाना होता है, उस फोटॉन को आप एनर्जी के रूप में क्रिएट कन्वर्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो वो कर सकते हो। तो ये सब चीजें आज जो इतने साधनों के माध्यम से सिद्ध हो रही हैं, मैं आपसे सिंपली पूछूं, क्या आचार्यों ने एटलीस्ट 2000 साल पहले तत्वा सूत्र ग्रंथ लिखा बिना साधनों के कैसे जान ली? अंधकार को आप क्या मानते हो? वो भी पुद्गल, शब्द भी पुद्गल हैं। कोई भी अवस्था जो जो भी हमें दिखाई सुनाई देती है अथवा फील होती है ठंडे गर्म के रूप में, वो सब पुद्गल है। हवा 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 भी पुद्गल है, हवा भी पुद्गल है। क्यों? क्योंकि वो भी हमें फील होती है ना, ठंडी लगती है, ठंडी लगती तो पुद्गल है। पॉइंट समझना ना कि नहीं है? यानी हर दशा, जिस दशा को भी हम कहते हैं, वो सारी की सारी दशाएं बहुत गलिक ही हैं। ये आज दुनिया कह रही है, जैन धर्म कब से कह रहा है। एक और बड़ी दिलचस्प बात जो यहां से कहूं, आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता होगा कि लाइट और हीट दो चीजें अलग अलग प्रॉपर्टी। लाइट और हीट, हीट मतलब गर्माहट और लाइट मतलब प्रकाश। सामान्य तरीके से हम क्या जानते हैं कि जो जितना ज्यादा गर्म होता है उतना ज्यादा प्रकाशित होता है। पहले तक हमारी मान्यता ऐसे ही थी कि गर्माहट है तो प्रकाश है, गर्माहट नहीं है तो प्रकाश नहीं। लेकिन आचार्यों ने डिफाइन किया कि ऐसा नहीं है, गर्माहट अलग प्रॉपर्टी है और लाइट होना अलग प्रॉपर्टी है। कुछ पदार्थों में मात्र लाइट होती है, हीट नहीं होती, जैसे चंद्रमा का प्रताप, और कुछ पदार्थों में मात्र हीट होती है लाइट नहीं होती, जैसे इंडक्शन। बोलो, इंडक्शन में हीट है लेकिन लाइट नहीं। आप सोचो 100 साल पहले की बात, जब से इंडक्शन आप लोगों ने नहीं देखा होगा, 100 साल पहले 150 साल पहले क्या आप कोई लाइट बिना की हीट देख पाते थे? आपको लगता था कि अगर गर्म है तो आग तो होगी होगी, वो चाहे मशाल की आग हो, चाहे चूल्हे की आग हो, चाहे अंगारे की अग्नि हो, मतलब गर्माहट है वो अलग गुण है, वो आग के साथ में जुड़ा हुआ है, ताप के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन नहीं, बोले गर्माहट है लेकिन हीट नहीं है। और कोई कोई सी चीजें हैं जहां पर क्या कहते हैं, आता प्रकाश है और लेकिन वहां पर हीटनेस नहीं है। तो ये दो चीजें आचार्यों ने जितना सटीक वर्णन जीव का किया है, वैसा का वैसा ही प्रामाणिक वर्णन उन्होंने पुद्गल आदि का भी किया है। क्योंकि पुद्गल आचार्य एक साइंटिस्ट से कम नहीं, आप समझो। जैसे वैज्ञानिक सब काम छोड़कर किसी एक काम पर रिसर्च करता है, आचार्य भगवान भी वैसे ही करके वस्तु के पदार्थ का सामान्य अवलोकन करते हैं, और अवलोकन करने के बाद में उन्हें जैसी वस्तु व्यवस्था दिखाई देती है वैसा कहते हैं। तो उनके वर्णन में प्रामाणिकता है, उनके वर्णन में प्रामाणिकता है, और उसी प्रामाणिकता के आधार पर उन्होंने पुद्गल का वर्णन किया, जो कि आज वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार करते हैं। ये सूत्र बड़ा गजब है, शब्द को